Vayam Prabha. Digital India. Educated India. स्वयं प्रभा में आप सबका स्वागत है आज कंपनी विधि के व्याख्यान नंबर आठ के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें उत्पीड़न और कंपनी के कुप्रबंधन के बारे में बताया गया है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि मीटिंग क्या होती है मीटिंग कितने प्रकार की होती है क्या उसमें प्रोसीजर होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होगी जनरल मीटिंग क्या होगी क्या क्या उसमें रेजोल्यूशन पास होंगे तो इनके बारे में बताया था कि मीटिंग जो है वो जैसे एक कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है उसके अलावा भी हमने जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करा था कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं कैसे अपॉइंट किए जाएंगे क्या किया जाएगा तो उनके बारे में डिस्कस करा था फिर मीटिंग के बारे में बताया था कि जैसे कोई भी कंपनी के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको यदि डिस्कस करना है तो वो उस मीटिंग में कर किए जाते हैं अब मीटिंग जो है तीन चार प्रकार की हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी कि एक एनअल जनरल मीटिंग होती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी मीटिंग होती है और एक जनरल मीटिंग होती है तो इस तरह से हमने मीटिंगों के बारे में प्रीवियस उसमें डिस्कस करा था इसके अलावा जो है उसमें क्या कोरम होगा मीटिंग उसका मीटिंग का क्या मिनट्स होंगे क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो इनके बारे में जो है वो पूरा डिस्कस करा था और उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन जो हैं वो पास होते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्या होगी बोर्ड्स की मीटिंग क्या होगी डिबेंचर्स होल्डर जो हैं वो उनकी मीटिंग क्या होगी तो उनसे संबंधित प्रावधान जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे अब आज जो है वो व्याख्यान नंबर आठ में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है कंपनी का तो इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित शब्दों को या विषयों को सम्मिलित किया गया है सबसे पहला जो विषय इसमें है कि किसी भी कंपनी में उत्पीड़न और कुप्रबंधन क्या होता है उसका एक परिचय जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कु उसकी जो परिभाषा है अर्थ है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर जो केसेस हुए हैं जैसे फॉस वर्सेस हॉर्बोटल इसका जो नियम है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है जिसके ऊपर पूरा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट या जो मेजॉरिटी रूल है उसको प्रतिपादित किया गया था और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि किन किन मुद्दों में जो है वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होगा क्या उससे संबंधित प्रक्रिया है क्या उसके प्रकार हैं और जो कंपनी अधिनियम में है उसमें क्या इसके प्रिवेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो दिए हुए हैं और भारत में उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम से संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है कुप्रबंधन और उत्पीड़न के बारे में समझाएं कि कुप्रबंधन और उत्पीड़न क्या होता है तो सबसे पहले जो है कंपनी अधिनियम की धारा 241 से लेकर 246 तक कुप्रबंधन और उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान जो है वो दिए हुए हैं अब सबसे पहले जो है इसको समझते हैं कि उत्पीड़न और कुप्रबंधन होता क्या है कि जहाँ पे जो कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने कोई मिसमैनेजमेंट किया है कंपनी का या कुप्रबंधन किया है तो उससे संबंधित जो है कंपनी अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं और वो उसकी रोकथाम करा सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि उनके जो डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं उनने कंपनी के जो मैटर्स हैं उनका मिसमैनेजमेंट किया है तो वहाँ पर उसको रोका जा सकता है तो इससे संबंधित प्रावधान जो हैं वो दिए गए हैं और इसमें एक और चीज़ है कि जो फॉस वर्सेस हॉर्बोटली का केस था या नियम था उसमें सबसे पहले जो है इस नियम को प्रतिपादित किया गया था कि जो यदि कोई ऐसा प्रबंधन या मिसमैनेजमेंट किया है तो वो मेजोरिटी रूल से जो है वो दूर किया जा सकता है लेकिन इसमें जो है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनके राइट right जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए तभी जो है इससे संबंधित वो बताए गए हैं और फिर किसी भी कोई गलत काम किया है जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं कंपनी के उन्होंने तो वहाँ पर भी उसको रोका जा सकता है जो कंपनी के प्रावधान हैं उनके अनुसार और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की की जा सकती है और इवन जो कंपनी है उसको बाइंडिंग अप भी कराया जा सकता है यदि ऐसा कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट होता है तो जहाँ पे ऐसी रिकमेंडेशन दी जाती है तो वहाँ पे उसको कंपनी को समाप्त भी किया जा सकता है या बाइंडिंग अप भी किया जा सकता है और यह अक्सर अल्पसंख्यक अधिकारों पर जो मेजॉरटी शेयर होल्डर्स हैं वो हावी होते हैं या मेजॉरटी रूल जो है वो हावी होता है तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके भी राइट जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटेक्ट किए गए हैं वो भी अपने राइट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो इससे संबंधित जो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट है इससे संबंधित प्रावधान जो है कंपनी अधिनियम की धारा दो से लेकर दो तक जो है वो बताए गए हैं अब कुप्रबंधन और उत्पीड़न की परिभाषा क्या है इसको समझते हैं तो सबसे पहले जो है लॉर्ड कूपन ने एक केस का नाम दिया है लार्ड बर्सेज बाटसन लिमिटेड के मामले में उत्पीड़न का अर्थ जो है वो समझाया था उन्होंने बोला था कि उत्पीड़न बहुसंख्यक शेयर धारकों द्वारा किया गया एक दुष्कर्म है या उत्पीड़न है जो अपनी बहुमत की शक्ति के आधार पर जो अल्पसंख्यक शेयर धारक होते हैं उनके अधिकारों को ये छीनते हैं उनके अधिकारों को ये उनके अगेंस्ट में काम करते हैं या उनको कोई ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं और जिसे शांति प्रसाद बनाम कलिंगा टीम लिमिटेड में आगे बढ़ाया गया था और इस नियम को उद्बुद्ध किया गया था कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके भी राइट जो हैं वो प्रोटेक्ट होंगे दूसरे पक्ष की सहमति के विरुद्ध अन्यायपूर्ण तरीके से कोई अधिकार शक्ति का प्रयोग करना मीन्स के ऐसे व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करना जो माइनॉरिटी में है या जिनके राइट जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं तो वो जो है ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट होगा और उत्पीड़न शब्द को अन्यायपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग करने का कार्य उदाहरण के रूप में परिभाषित किया गया है इसे उत्पीड़न के कार्य या उदाहरण और परेशानियों और प्रतिपल परिस्थितियों और चिंता से मानसिक और शारीरिक रूप से भारी बोझ की भावना देखी जाती है तो इसको अपन कुप्रबंधन या उत्पीड़न बोलेंगे मीन्स के जहाँ पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने उस कंपनी में मिसमैनेजमेंट किया है या कंपनी के विपरीत में कोई ऐसा कार्य किया है तो वहाँ पे जो है उसको कुप्रबंधन या मिसमैनेजमेंट कहेंगे अब इसकी एक और परिभाषा दी हुई है एल्डर बनाम वाटसन लिमिटेड केस में इसको फिर से परिभाषित किया गया था कि उत्पीड़न क्या होता है उत्पीड़न से तात्पर्य कंपनी के अल्पसंख्यक शेयर धारकों पर बहुसंख्यक शेयर शेयर धारकों द्वारा दुर्व्यवहार करना मीन्स के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा कोई ऐसा दुर्व्यवहार करना वो उत्पीड़न की परिभाषा में आएगा या ऑपरेशन की परिभाषा में आएगा तो इसको इस केस में डिफाइन किया गया था अब जो है कुछ न्यायिक निर्णय के अनुसार किसी सदस्य के साथ घटित होने वाले निम्न प्रकार के कार्यों को अन्याय की श्रेणी या उत्पीड़न की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा या उसको उसमें इंक्लूड किया जाएगा तो पहला जो है इसमें कि किसी सदस्य को उसके मूल अधिकारों से वंचित करने वाला कार्य ऐसा कोई कार्य किया गया है जो उन सदस्यों के मूल अधिकार या जिनको अधिकार स्टैचूट ने प्रोवाइड किए हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने प्रोवाइड किए या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने प्रोवाइड किए उन अधिकारों के विपरीत कोई ऐसे मूल अधिकारों के विपरीत कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो वो जो है वो उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा दूसरा जो है संचालक के मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा करने वाले कार्य कि जो संचालक है या डायरेक्टर है उनने कोई ऐसे सिद्धांत बनाए हैं या रूल्स बनाए हैं रेगुलेशन बनाए हैं उनकी कोई उपेक्षा करे या किसी व्यक्ति ने उसकी उपेक्षा करी हो तो वो भी उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा या ऑपरेशन उप, या मिसमैनेजमेंट की श्रेणी में उसको सम्मिलित किया जाएगा तीसरा जो है सदस्यों के हित पर कुठाराघात करने वाला कार्य कि ऐसे कोई इंटरेस्ट हैं जो मेंबर्स हैं कंपनी के उन मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम किया गया तो वो भी उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा या मिसमैनेजमेंट की श्रेणी में आएगा और उसको गलत तरीके से उन कार्यों को किया गया है तो वो उत्पीड़न की श्रेणी में सम्मिलित होगा चौथा जो है लोक नीति एवं सामाजिक दायित्व की उपेक्षा करने वाले कार्य ऐसे कोई कार्य किए गए हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी बनाई गई हैं या जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनकी उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा कार्य किए गए हैं तो वो भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की उसमें श्रेणी में आएगा क्योंकि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें क्लियर रूप से बताया गया है कि जो सी एस आर होगी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति जो है यदि कोई ऐसे सामाजिक के समाज के विरुद्ध ऐसे कोई कार्य किए गए हैं तो वो इसलिए दंडनीय अपराध मनाया गया और वहाँ पर जो है उसको हर जाना जो है उसको देना होगा पाँचवा जो है अल्पमत अंशधारियों के साथ अन्याय करने वाले दायित्व तथा जोखिमा में वृद्धि करने वाले कार्य कि जो अल्पमत अंशधारियों को कोई ऐसी लाइब्रिटीज दी गई है और या उनके प्रति कोई लाइब्रिटीज़ हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की या कंपनी की या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी उन्होंने कोई ऐसे उनके विपरीत कोई ऐसे कार्य किए हैं तो वो भी ऑपरेशन की श्रेणी में आएंगे या उसकर्क या जो मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट है उसकी श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा छठवां संचालक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम पार्षद सीमा नियम और पार्षद सीमा नियम कि कोई अनदेखी या उपेक्षा की हो मींस के जहाँ पे कोई आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं तो उन प्रोविजंस की उन्होंने कोई उपेक्षा की है या नेग्लिजेंस जो है वो किया हुआ है या उनको फुल जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जो है वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट माना जाएगा और उसमें सम्मिलित होगा सातवां जो है किसी सदस्य के साथ क्रूरता या अन्यायपूर्ण व्यवहार करना कि जो कंपनी के मेंबर हैं उन कंपनी के प्रति जो है वो कोई क्रूरता क्रूअल्टी या कोई अन्य व्यवहार जो है वो किया गया तो वो व्यवहार जीव भी ऑपरेशन की परिभाषा में या उसमें सम्मिलित होगा नेक्स्ट जो है उत्पीड़न के कुछ उदाहरण जो है वो बताए गए हैं कि उत्पीड़न के क्या उदाहरण है ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके उत्पीड़न बहुमत के विरुद्ध विभिन्न निर्णय पारित किए गए हैं पहला जो उदाहरण है इसका कि बहुसंख्यक शेयर धारक अल्पसंख्यक को उनकी इच्छा के बिना जोखिम भरी वस्तुएं देने के लिए बाध्य करते हैं कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो अन्य सदस्यों को या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उनकी इच्छा के बिना या उनकी कंसेंट के बिना कोई ऐसी जोखिम उठाने वाली वस्तुओं के लिए प्रेरित करते हैं अग्रसित करते हैं तो वो भी जो है उसका एक उदाहरण है दूसरा उदाहरण है इसका कि यदि किसी सदस्य को उसके सामान्य सदस्यता अधिकारों से प्रतिबंधित या वंचित किया जाता है मीन्स उनको कोई ऐसे अधिकार दिए गए हैं उस मेंबर्स को अब उनके अधिकारों को वंचित किया जाता है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के द्वारा तो वो भी ऑपरेशंस के एक उदाहरण होगा और वो उसमें सम्मिलित होगा नेक्स्ट है कि जब बहुमत अल्पसंख्यक शेयर धारकों पर भारी बोझ डाल रहा और अन्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कठोर और अमानवीय व्यवहार करे उनके साथ में मतलब कोई ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य किया है या अमानवीय व्यवहार या कोई स्टिक जो है व्यवहार उनके अगेंस्ट में किया गया है तो वो भी ऑपरेशन की परिभाषा में सम्मिलित होगा नेक्स्ट जो है कि यदि कंपनी का कामकाज किसी ऐसे मामले में किया गया है जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है मतलब ऐसे कोई मैटर्स में ऐसे कोई मामले जो है वो उन्होंने किए हैं ऐसे कोई कार्य किए हैं जो कंपनी के प्रोविजंस के अगेंस्ट में हैं तो वो भी जो है वो ऑपरेशन के उसमें उसका एक उदाहरण होगा तो ये कुछ उदाहरण जो है इसमें बताए गए हैं इसके बाद जो है एक केस है फॉस वर्सेस हॉर बॉटल का नियम इस नियम में जो है बताया गया है क्लियरली कि इसमें क्या हुआ था कि एक मेजोरिटी शेयर होल्डर्स थे और मेजोरटी शेयर होल्डर्स ने जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो राइट जो हैं वो इफ़ेक्ट करे तो फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने एक प्रपोजल जो है वो पास किया था या जो पावर्स दिए थे कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने तो वो जो है बाइंडिंग अप के टाइम पे जो है उन्होंने इसको वो करा के जो मेजोरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट जो हैं वो इफेक्ट करे हैं और उनसे जो है वो कोई चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं करिए तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने ये इसमें हेल्ड करा था कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा यदि कोर्ट जो है इसकी सहमति दे देता है तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा मीन्स के यदि उस इलीगल काम को या जो बियॉन्ड पावर कोई काम ऐसा किया गया है उसको यदि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अथोराइज़ कर देते हैं या रेटिफाइड कर देते हैं तो वहाँ पे जो है वो कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा और इस मामले में मेजोरिटी रूल को जो है वो प्रतिपादित किया गया था तो ये फर्स्ट जो है इसमें बताया गया था अब जो है इनके दावों जो ये केस था इसके कुछ अपवाद हैं मेजॉरिटी रूल्स के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के रूल्स के कुछ अपवाद जो हैं वो इस केस में बताए गए हैं फर्स्ट जो अपवाद है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर या अवैधता कि जहाँ पे कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम किया गया है जिसके लिए आ, उनको अथोराइज़ किया गया था तब जो है यहाँ पे ये मेजोरिटी वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा और वो चीज़ जो है वो रेटिफाइड नहीं होगी किसी के भी द्वारा दूसरा जो है कार्यों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता कि जहाँ पे कोई कार्य करना है और वहाँ पे जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की आवश्यकता है उसको रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए तो वहाँ पर जो है ये रूल जो है वो लागू नहीं होगा तीसरा व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण किया हो कि जहाँ पर कोई पर्सनल राइट्स हैं उनके उन राइट्स का अतिक्रमण किया हो तो वहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी रूल्स जो है वो फॉलो नहीं होगा वो चीज़ जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के द्वारा जो है वो रेटिफाइड नहीं होगी चौथा जो, जो है बहुमत पर धोखाधड़ी कि जहाँ पे कोई ऐसी फ्रडलेंट या धोखाधड़ी वाली चीज़ें करी गई हैं तो वहाँ पर जो है जो मेजॉरिटी रूल्स जो है वो लागू नहीं होगा और जो मेजोरटी शेयर होल्डर्स हैं वो उसको रेटिफाइड रेटिफाइड नहीं करा सकते वहाँ पे जो है वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट जो है वो माना जाएगा तो ये कुछ फॉस वर्सेज हॉर्बोटल के केस में जो है कुछ अपवाद बताए गए हैं कि जहाँ पे मेजोरिटी रूल्स जो है वो फॉलो नहीं किया जाता अब जो है उत्पीड़न और कुप्रबंधन के खिलाफ आवेदन कैसे करेंगे या कौन व्यक्ति जो है इसके उसमें आवेदन कर सकता है तो जो कंपनी अधिनियम है उसकी धारा चार में आवेदन से संबंधित प्रावधान जो है वो बताए गए हैं कि निम्न व्यक्ति जो है वो उसके उत्पीड़न से संबंधित जो है वो आवेदन कर सकता है और कंपनी अधिनियम के अध्याय 16 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि कौन शिकायत कर सकता है और किन परिस्थितियों में उत्पीड़न और कुप्रबंधन की शिकायत की जा सकती है तो ये जो है जो अधिनियम है इसकी सेक्शन 241 में जो है वो क्लियर रूप से मेंशन किया गया है अब सबसे पहले आइए उस स्थिति पर विचार करें जब कंपनी का कोई सदस्य कंपनी के मामले के बारे में शिकायत करता है मीन्स के जहाँ पर कोई ऑपरेशन या मिसमैनेज किया गया है तो वहाँ पर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति जो उसका मेंबर्स है या जिसके राइट्स इफेक्ट्स हैं तो वो आवेदन जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं वो धारा दो में क्लियर रूप से बताया गया है और जब मामला बड़े पैमाने पर जनता या कंपनी के हित को प्रभावित करने वाला हो तो वहाँ पे भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं मीन्स जहाँ पे किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट हुए हैं जहाँ पर जो है कंपनी के इंटरेस्ट इफ़ेक्ट हुए या कोई पब्लिक पॉलिसीज़ है या जो पब्लिक इंटरेस्ट है उनके वो इफ़ेक्ट हुए हैं तो वहाँ पे भी जो है आवेदन कर सकते हो और जब कंपनी के मामले दमनकारी प्रवृत्ति के हों और शिकायत करने वाले सदस्य या कंपनी के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध हों जिन्होंने शिकायत की उनके राइट जो है वो इफेक्ट करे हों तो वो भी कर सकते हैं अब सदस्य कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में भौतिक परिवर्तन के संबंध में शिकायत कर सकता है कि इसमें जो है ऐसे चीज़ें जो है वो अल्ट्रेशन होना चाहिए ऐसी बहुत वो जो मेन ऑब्जेक्ट था उसके अगेंस्ट में इन्होंने काम किया है या कोई और ऐसी चीज़ है तो वहाँ पे जो है वो आवेदन दे सकते हैं और ये आवेदन जो है वो ट्रिब्यूनल्स में फारद किया गया जो, जो नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स बना हुआ है उसमें जो है वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के लिए आवेदन दे सकते हैं और यदि ये प्रूफ हो जाता है कि वहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उन्होंने मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट किया है कंपनी का तो वहाँ पर जो है वो कंपनी को या कोर्ट जो है वो उसको आदेश दे सकता है कि उसको ठीक करे नहीं तो उसको बाइंड अप करेंगे कंपनी को अब जब किसी कंपनी के पास शेयर पूंजी होती है तो निम्नलिखित सदस्य जो है वो धारा दो इकतालीस के तहत आवेदन कर सकते हैं पहला कि सौ से कम सदस्य नहीं या इसके सदस्यों की कुल संख्या के दसवें हिस्से से कम नहीं होगा मतलब ये व्यक्ति जो है वो कि कम से कम जो है सौ सदस्य मिलकर जो है वो उसके अगेंस्ट में आवेदन कर सकते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने जो है वो कंपनी के अगेंस्ट में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट किया है दूसरा जो है कोई भी सदस्य या सदस्य जिसके पास जारी शेयर का दसवां हिस्सा से कम नहीं है मतलब जो शेयर इशू करे हैं कंपनी ने उसका दसवां हिस्सा जो है उसके पास में हो उन सदस्यों के पास में तो वो भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स के अब आवेदक या आवेदक को आवेदन करने से पहले उन पर देख कॉल बनी और अन्य रकम का भुगतान करना होगा जब किसी कंपनी के पास शेयर पूंजी नहीं है तो उसके कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम पाँचवा हिस्सा धारा दो के तहत लागू होगा और इसके अलावा ट्रिब्यूनल धारा दो के तहत किसी भी आवश्यकता को माफ कर सकता है ताकि सदस्यों को धारा दो के तहत आवेदन करने में सक्षम बनाया जाए तो 244 में भी क्लियर रूप से इसको लेबलाइज कर दिया है कि जहाँ पे ये चीज़ें फुलफिल नहीं होती तो कोई अन्य व्यक्ति जो है यदि उसको लगता है कि कंपनी में मिस, मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन हुआ है तो वो जो है वो आवेदन दे सकता है ट्रिब्यूनल्स में अब जो है उत्पीड़न और कुपरण के विरुद्ध आवेदन कौन दायर कर सकता है कि जो कंपनी का ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसके विरुद्ध में कंपनी के विरुद्ध में आवेदन कौन दाखिल कर सकता है तो इससे संबंधित प्रावधान जो है इसमें जो कंपनी अधिनियम है उसकी धारा दो में बताए गए हैं या उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं क्योंकि यह धारा यह बताती है कि इस तरह का आवेदन दायर करने का अधिकार किसे है जो उसमें बताया गया अधिकार को मोटे तौर पर कंपनी और एक सदस्य को अन्य सदस्यों की ओर से फाइल करने की पात्रता के बीच विवादित किया गया है और किसी कंपनी में शेयर पूंजी वाली कंपनी और शेयर पूंजी नहीं रखने वाली कंपनियों के आधार पर अधिकार को अलग किया जा सकता है मीन्स जो आवेदन है वो दो आधार पर हो दे जिनके पास में शेयर पूंजी है या शेयर पूंजी नहीं है मीन्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जिनके पास में शेयर पूंजी नहीं है तो उसमें भी इसके आधार पर विभाजित किया जाता है कि वो शेयर पूंजी है तो इतना दस परसेंट या हंड्रेड जो है उसके मेंबर्स जो हैं वो आवेदन दे सकते हैं और लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि उसको लिबलाइज कर सकते हैं अब शिकायत करने वाले सदस्य की शेयर पूंजी की गणना शेयर पूंजी की संख्या और उसके मूल्यों के आधार पर की जा सकती है अब जब संख्या की बात आती है तो यह कुल सदस्यों का सौ या एक बटे दस जो है सदस्य होना चाहिए तभी जो है वो आवेदन स्वीकार किया जाएगा ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के और जहाँ पे जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी है उसका एक बटे पाँच जो है जो उसके सदस्य हैं वो जो है इसके संबंध में आवेदन कर सकते हैं तो ये जो है जो धारा सेक्शन टू फोर्टी फोर है उससे संबंधित प्रावधान जो है इसमें मेंशन किए हुए हैं अब ट्रिब्यूनल्स की शक्ति कंपनी अधिनियम की धारा दो के अनुसार कि ट्रिब्यूनल्स के जो है वो क्या पावर्स दिए हुए हैं क्या क्या पावर्स जो है वो ट्रिब्यूनल्स एक्सरसाइज करता है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट से संबंधित तो इससे संबंधित जो धारा 242 है इसमें इससे संबंधित प्रावधान जो है वो दिए हुए हैं कि कंपनी जो है वो जब कोई ऐसा आवेदन आता है उसके ए, उस पर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल्स के उसमें तो वहाँ पर जो है वो उसको क्या पावर एक्सरसाइज करेंगे उन आवेदन के एबज में तो धारा 242 में इससे संबंधित प्रावधान जो है वो या जो उनके पावर्स हैं वो दिए हुए हैं और आपकी जानकारी के लिए इसकी जांच और व्याख्या की गई है कि क्या क्या पावर्स जो है वो ट्रिब्यूनल्स जो है वो नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज करता है तो पहला जो है इसमें इसको पावर दिया है कि कानून द्वारा उसे दी गई पहली शक्ति एक आदेश पारित करना है ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है कि यदि उसकी राय में कि जहाँ पे कोई ऐसा आवेदन आया है और उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट किया गया तो वहाँ पे जो है एक ऐसा आदेश दे सकती है कंपनी के क्यों ना जो है उस ऑपरेशन ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट किया जाए यदि प्रिवेंट नहीं करते तो जो है वो कंपनी बाइंडिंग अप होगी ऐसा एस आदेश जो है वो कंपनी दे सकती है और उसको प्रिवेंट कर सकती है उस आवेदन के आधार पर ट्रिब्यूनल्स को पावर्स है दूसरा जो है कि यही प्रावधान ट्रिब्यूनल को तीन मुद्दों से के संबंधित शक्तियों में शक्तियाँ भी प्रदान करता है जो कि शेयर धारकों कंपनी और अन्य से संबंधित है ठीक है तो ये तीन शक्ति जो है वो इनके अगेंस्ट में वो ऐसे ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है शेयर धारकों के अगेंस्ट में कंपनी के अगेंस्ट में या जो अन्य रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके अगेंस्ट में ये आदेश जो है वो पारित कर सकता है तो ये भी उसको पावर है तीसरा जो है शेयर धारकों के संबंध में एक न्यायाधिकरण सदस्य के शेयरों को अन्य सदस्यों या कंपनी द्वारा खरीदने का आदेश दे सकता है कि जहाँ पे कोई ऐसे शेयर्स जो हैं उनको बेचने हैं या खरीदने हैं तो वहाँ पे उसका भी कोर्ट को पावर्स है कि वो ऐसा आदेश दे सकता है कि वो शेयर्स खरीदे या बेचे जा सकते हैं तो ये भी उसको ट्रिब्यूनल्स को पावर है कि वो ऐसे पावर्स जो है वो दे सकता है और अपने पावर्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है नेक्स्ट जो है एक न्यायाधिकरण शेयर पूंजी में कमी का आदेश दे सकता है और शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध भी लगा सकता है कि जहाँ पे जो कोई ऐसे शेयर पूंजी है तो उसका आदेश दे सकता है उसके ट्रांसफर पे उस पर आदेश दे सकता है कि उसकी ट्रांसफरबिलिटी कैसे होगी सेल कैसे होगा तो उस पर जो है वो प्रोहिबिशन लगा सकता है कि ऐसे शेयर जो है वो बेचे नहीं जाने चाहिए जो किसी के राइट जो है वो इफेक्ट करते हैं तो ये पावर भी जो है ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज करता है नेक्स्ट कंपनी के प्रबंधन के संबंध में जो कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि एक न्यायाधिकरण कंपनी और प्रबंधन के बीच किए गए समझौते और कंपनी और अन्य किसी अन्य व्यक्ति के बीच समझौते को समाप्त कर सकता है या संशोधित कर सकता है मीन्स के जहाँ पे कंपनी के बीच में या किसी अदर आउटसाइडर के या मेंबर्स के बीच में कोई ऐसा कांटेक्ट हुआ है समझौता हुआ है तो वहाँ पे जो है उस समझौते को या नेगोशिएशंस को वो समाप्त कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है या उसमें चेंजेस ऑल्ट्रेशन भी कर सकता है तो ये भी उसको पावर्स है नेक्स्ट जो है कि कंपनी के प्रबंधन के मामले में ट्रिब्यूनल प्रबंधक निदेशक प्रबंधक और निदेशक को हटा सकता है कि जहाँ पे कोई मिसऑपरेशन किसी डायरेक्टर्स मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स ने किसी ने भी किया है तो वहाँ पे जो है उसको हटा सकता है ये भी उसको पावर है तो ये जो है इसमें बताया गया तो ये भी उसको पावर है कि जहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि भी ये ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट जो है उसके डायरेक्टर्स के द्वारा या प्रोमोटर्स के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया तो उसको ट्रिब्यूनल्स को पावर है कि वो उसको हटा सकता है नेक्स्ट जो है कुछ मामले में ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो प्रबंधन द्वारा उत्पीड़न और कुप्रबंधन की गतिविधियों के बारे में ट्रिब्यूनल्स को रिपोर्ट करेगा मतलब ऐसे कोई व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है कोर्ट कि जो पूरी रिपोर्ट दे के वहाँ पर कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके मिसमैनेजमेंट को देखने के लिए रोकने के लिए भी वो किसी अन्य व्यक्ति को जो है उस कंपनी में अपॉइंट कर सकता है ये भी उसको पावर है नेक्स्ट अंत में ट्रिब्यूनल्स के पास कुछ अन्य शक्तियाँ हैं जो किसी कंपनी के मामले के संचालन का विनियमन और कंपनी की किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द कर सकता है मीस के जो कंपनियों के ट्रांसफ़र हुए हैं या जो उनकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र हुए हैं तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स को यह भी पावर है कि वो उस ट्रांसफ़र को रोक सकता है और उसको सेटासाइड करा सकता है और ट्रिब्यूनल्स लागत भी उससे वसूल कर सकता है कि जितनी भी उसने वो परचेज करने में उसमें इनकम करी है तो वो सारी जो है उससे रिकवर कर सकता है ये भी कोर्ट को पावर है अब यहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल्स को ये भी पावर है कि वो जो परिसमापक या लिक्विडेटर होगा उसको भी अपॉइंट कर सकता है कि जहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है और कंपनी का बाइंडिंग अप होना है तो वहाँ पे जो है कोर्ट परिसमापक या लिक्विडेटर जो है वो भी अपॉइंट कर सकता है और लिक्विड की रिपोर्ट्स के आधार पे यदि वो कह देता है कि हाँ इसमें मिस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हुआ तो उसके बेसिस पे कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप भी हो सकती है और ये सारी रिपोर्ट जो है वो उसमें देगा तो ये जो है इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो जुर्माना और ये चीज़ें के जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके अगेंस्ट में यदि ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट प्रूफ हो जाते तो वहाँ पे जो है इससे संबंधित जो है पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है कोर्ट और ये इसमें एक लाख रुपये से लेकर पच्चीस लाख रुपये तक जो है उस पर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है और जिसमें छः महीने की सजा का भी प्रावधान है जो कंपनी अधिनियम में मेंशन में किया हुआ है अब दाखिल करने की क्या क्या परिस्थितियां होंगी मीन्स आवेदन दाखिल जो है वो किन परिस्थितियों में किया जाएगा कि यदि ऊपर उल्लिखित किसी भी सदस्य जमा करता उनमें से किसी भी वर्ग की राय कि कंपनी का प्रबंधन ऐसे तरीके से किया जा रहा है जो कंपनी के हित के लिए हानिकारक है ठीक है तो वहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल्स के यहाँ एक आवेदन जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और ट्रिब्यूनल जो है वो निम्न आदेश जो है वो दे देता है मीन्स कि जो उनके मेंबर्स हैं डिपॉजिटर्स हैं या इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा आवेदन दिया जाता है कि उस आवेदन में लिखा हो कि ये व्यक्ति या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट किया है तो वहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल्स जो है वो निम्न आदेश जो है वो दे सकता है पहला जो है कि ऐसा कार्य करना जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अधिकार के बाहर है कि उन मेंबर्स ने कोई ऐसा कार्य किया है जो मेंबर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर है या वो कोई ऐसे पावर्स जो वो दिए नहीं है फिर भी उन्होंने ऐसे कोई पावर्स किए तो वहाँ पे जो है ऐसा दूसरा कंपनी के एम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना कि जहाँ पे जो कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और यदि उनके कोई किसी भी प्रोविजंस को जो है उन्होंने वॉयलेट करा है और ये प्रूफ हो जाता है कि वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट है तो वहाँ पर भी जो है वो ये परिस्थिति निर्मित होती है और जो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट है वो माना जाएगा अब एक ऐसे प्रस्ताव पर कार्रवाई करना जिसे शून्य घोषित कर दिया गया है जिसका प्रभाव सदस्यों जमाकर्ताओं को तथ्यों को छिपा कर गलत बयान देकर कंपनी के एम को बदलने का था निदेशक पर भी लगाम लगाई जा सकती है कि जो उनमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज करे जा सकते हैं कि इन्होंने सपोज कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने अपनी कोई पर्सनल मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करके जो है जो मेमरेंडा ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें कोई ऐसे चेंजेस करे हैं जिससे कंपनी के जो हित हैं या इफेक्ट हुए हैं या जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके हित इफेक्ट हुए हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हित जो है वो इफेक्ट हुए हैं तो वहाँ पर जो है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की परिस्थिति जो है वो निर्मित होगी नेक्स्ट जो है कि कोई भी ऐसा कार्य करना जो अधिनियम तत्समय लागू किसी अन्य कानून का उल्लंघन हो मतलब ऐसे कोई कार्य करे गए हैं कि जिसमें बहुत सारे लॉस को वायलेट करा गया हो कि जो लॉ ऑपरेट हैं या जो लॉ एग्जिस्ट है उन लॉ को वायलेट करा है उन्होंने और ऐसे कोई कार्य किए गए हैं उनके वॉयलेसन में तो वहाँ पे भी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की परिस्थिति जो है वो निर्मित होती है नेक्स्ट जो है किसी भ्रामक या गलत बयान के लिए कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्होंने कोई भ्रामक भ्रामक या गलत बयान दिए है और प्रोस्पेक्टस में या किसी ऐसी चीज़ में वो मेंशन करें हैं तो वहाँ पे भी जो है वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट जो है वो माना जाएगा उसकी परिस्थिति जो है वो निर्मित होगी और वहाँ पे जो है उनके लिए वो व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे और ऐसा ट्रिब्यूनल जो है वो आदेश दे सकता है उनके अगेंस्ट में अब कंपनी या निदेशक के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो उनके हित के विरुद्ध जो मेंबर्स हैं उनके हित के विरुद्ध है तो वहाँ पे भी जो है इसकी जो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की परिस्थिति जो है वो निर्मित हो गई अब ऑडिटर के द्वारा ऑडिट फॉर्म या फॉर्म के साथ साथ सभी साझेदारियों के द्वारा इनके द्वारा कोई ऑडिटर्स के द्वारा गलत रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी गई है या कोई ऐसे जो उनके कंपनी के हित में या उसके अगेंस्ट में कोई ऐसे काम किए गए हैं तो वहाँ पर भी जो है वो इसकी परिस्थिति निर्मल होती कोई विशेषज्ञ या सलाहकार या परामर्शदाता द्वारा कोई ऐसे कार्य किए गए कि गलत सलाह दी गई है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है तो वहाँ पर भी जो है भी इसकी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी उसको मिस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट माना जाएगा और ट्रिब्यूनल जैसा उचित समझे कोई अन्य उपाय तलाशना या ट्रिब्यूनल्स को जो यदि लगता है तो वहाँ पर जो है उसको भी प्रूव किया जा सकता है कि जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स की राय में है तो वो परिस्थिति है जो है या कि आ, उन्होंने कोई ऐसे आवेदन दिए हैं जो उनके मेंबर्स हैं उसकी राय में यदि लगता है कि हाँ ठीक है ये ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट माना जाएगा तो वहाँ पर भी उसको आवेदन दे सकते अब जो है सामूहिक कार्रवाई या क्लास जो है प्रोसीडिंग क्या होती है क्लास प्रोसीडिंग जो है इसको बताया गया कि जहाँ पे जो है बहुत सारे मेंबर्स के जो राइट्स इफ़ेक्ट हुए हैं तो वहाँ पे जो है वो क्लास जो है वो एक आवेदन दे सकती है कोर्ट में और वहाँ पे जो है ऑपरेशन और इसके अगेंस्ट में कंपनी अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं कि जहाँ पे बहुत सारे क्लास के सपोज जैसे शेयर होल्डर्स हैं डिबेंचर्स होल्डर्स हैं इनके राइट जो है वो इफ़ेक्ट किए गए हैं तो वहाँ पर जो है वो एक क्लास एक्शंस जो है वो या कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकते हैं फॉर द मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशंस की तो इससे संबंधित प्रावधान जो है वो दिए गए हैं अब किसी कंपनी के जमाकर्ता के सदस्य ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं और आवेदन कंपनी के प्रबंधन या मामलों के पूर्व ग्रहण तौर तो तरीकों के संबंध में होगा निम्नलिखित के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं तो इन कंडीशन में जो है वो सामूहिक कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं कोई डिपॉजिटर्स से हैं शेयर होल्डर्स हैं डिबेंचर्स होल्डर्स हैं तो वो मिलके जो है एक केस जो है वो लड़ सकते हैं कि जो मिसऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है वो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए तो ये जो है पूरा क्योंकि जो जैसे प्रीवियस जो कंपनी अधिनियम था उन्नीस वाला तो वहाँ पर जो है क्लास एक्शंस के जो प्रोविजन्स हैं वो दिए नहीं थे वहाँ पर जो है अलग अलग व्यक्ति जो है वो अपने केस दायल करते थे तो, तो यहाँ पे जो है इस न्यू कंपनी अधिनियम में 2013 में ये क्लियर प्रावधान जो है वो इसमें दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है क्लास एक्शंस जो है वो फाइल किया जाता है आप यहाँ पे उन्होंने बोला कि निम्न तरीकों से सामूहिक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है पहला कंपनी को अल्टावायस कृत्य से रोकने के लिए कि कंपनी या जो उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने कोई अल्टावायस एक्ट किया है अल्टावायस एक्ट मीन्स कि जो उनके पावर्स दिए हुए हैं उन पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई ऐसा कार्य किया हुआ है तो वहां पे भी जो है उसको सामूहिक कार्रवाई की जा सकती है और वो जितने भी व्यक्ति हैं वो सामूहिक मिलके एक सूट जो है वो या केस जो है वो फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में नेक्स्ट सेकेंड कि कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों का उल्लंघन करने से रोकती है कि जहाँ पे कंपनी के जो प्रोविज़न है और उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को उनके प्रोविजंस का उल्लंघन किया है तो उल्लंघन करने पे जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं वो व्यक्ति जो है एक आवेदन जो है वो ट्रिब्यूनल्स में सबमिट सम, कर सकते हैं वो सामूहिक कार्रवाई के लिए तीसरा जो है यदि एमओ और एमओ को बदलने वाले प्रस्ताव को सदस्यों या जमाकर्ताओं के लिए गलत विवरण या तथ्यों को छुपा बनाया गया है कि जहाँ पे जो है यदि एमओ और एमओ को बदलने का कोई ऐसा प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है और वहाँ पे जो है उसको छुपाया गया है और वो पूरा सर्कुलेट नहीं हुआ है तो वहाँ पे भी एक क्लास एक्शन जो है वो या सामूहिक कार्रवाई जो है वो सबमिट की जा सकती है और वहाँ पे जो है एक क्लास एक्शन जो है वो किया जाएगा अब जो है कंपनी को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कुछ भी कार्य करने से रोकने के लिए कि जहाँ पर कंपनी या कंपनी अधिनियम के जो प्रावधान है जैसे जो मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट से संबंधित जो प्रावधान दिए गए सेक्शन टू फोर्टी वन टू टू फोर्टी फाइव तो वहाँ पर जो है उनके प्रोविजंस को यदि उनके अगेंस्ट वॉयलेट करा है उनके या उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा कार्य किया है तो वहाँ पर भी जो है एक क्लास एक्शन जो है वो सारे व्यक्ति चाहे वो डायरेक्टर्स हो मैनेजर्स हों शेयर होल्डर्स हों डेवेंचर्स होल्डर हों या कोई अन्य व्यक्ति है तो वो सामूहिक कार्रवाई जो है वो मिलकर कर सकते हैं या क्लास एक्शंस जो है वो फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट जो है कि कंपनी को ऐसी कार्रवाई करने से रोके जो सदस्य द्वारा पारित प्रस्ताव के विपरीत हो ठीक है ऐसा कोई सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया जो हो जो कंपनी के विपरीत हो मीन्स के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हों उन्होंने जो है कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जो कंपनी के विपरीत हो या उनके हितों के विपरीत हो तो वहाँ पर भी जो है सामूहिक कार्रवाई या क्लैक्स क्लास एक्शंस जो है वो फाइल कर सकते हैं और सारे जितने भी क्लास हैं चाहे वो शेयर होल्डर्स हो डिचर्स होल्डर्स हो या अन्य क्लास है वो वहाँ पे जो है वो बाद या क्लास एक्शन जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं नेक्स्ट जो है किसी भी मुआवजे या क्षति के लिए दावा करें और कंपनी या उसके निदेशक ऑडिटर जिनमें से ऑडिट फॉर्म और किसी सलाहकार विशेषज्ञ या परामर्श द्वारा शामिल है और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है जैसे किसी एक्ट अल्ट्रा एक्ट से कोई किसी मेंबर्स को कोई ऐसी डैमेजेस हुए हैं या क्षति हुई है तो वहां पर जो है जितने भी लोगों को क्षति हुई है तो वो एक क्लास एक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं उन व्यक्तियों के जो ट्रिब्यूनल्स में जिन्होंने वो लॉसेस किए हैं और ये सामूहिक कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं अब जो है सदस्यों या जमाकर्ताओं की अपेक्षित सदस्य संख्या कि मिनिमम जो है क्लास एक्शन में कितने सदस्य जो हैं वो होने चाहिए तो इन्होंने जो है इसमें कंपनी जो अधिनियम है 2013 इसमें, इसमें क्लियर रूप से बताया कि कम से कम जो है वो 100 सदस्य जो है उसके लिए होना चाहिए एक क्लास एक्शन्स के लिए या उसका एक बटे चार जो है सदस्य जो है यदि शेयर कंपनी सीयर्स के द्वारा लिमिटेड है तो वहाँ पर जो है उसका वन टेन जो है वो मेंबर्स जो है उसके वो क्लास एक्शंस फाइल कर सकते हैं या कम से कम जो है वो सौ सदस्य जो है उसके होने चाहिए और वो क्लास एक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल्स पर लागू करने के लिए सदस्यों की अपेक्षित संख्या कुछ प्रावधानों के अनुसार होगी ऐसे मामले में जहां कंपनी के शेयर पूंजी कंपनी के 100 सदस्यों से कम नहीं है या कुल सदस्यों की संख्या की एक निश्चित प्रतिशत से कम नहीं है तो वे सदस्य जो है जिनके पास शेयर पूंजी के निश्चित प्रतिशत में कम हिस्सेदारी नहीं है तो ऐसे मामले में कंपनी के पास कुल सदस्यों के पाँचवें हिस्से से कम शेयर पूंजी नहीं होगी तो वो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है वो एक क्लास एक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं फिर है जमाकर्ताओं के द्वारा जो है क्लास एक्शन जो है वो डिपॉज़िटर्स जो हैं वो भी एक क्लास एक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के लिए जमाकर्ताओं की अपेक्षित संख्या कुछ प्रावधानों के अनुसार होगी ऐसे मामले में जहां कंपनी की शेयर पूंजी कंपनी के सौ जमाकर्ताओं से कम नहीं है तो यहां पर भी उन्होंने बोला कि जहां पर डिपॉज़िटर्स के बारे में तो वो जो कंपनी है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो वहां पर जो डिपॉज़िटर्स हैं वहां पर कम से कम उनकी भी सदस्य संख्या सौ जो है वो होनी चाहिए तभी जो है वो क्लास एक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं अब उन्हें बोला कि कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो है वो भी इसमें दिए हुए हैं कि आवेदन पर विचार करने से पहले ट्रिब्यूनल निम्नलिखित मामलों पर गौर करेगा कि जहाँ पे कोई ऐसे आवेदन दिए गए हैं ऑपरेशन एवस मैनेजमेंट के लिए तो वहाँ पे जो है उन मैटर्स को सुनने से पहले जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो निम्नलिखित मामलों को इन पर गौर करेगा अब आवेदन अच्छे विश्वास में पहला जो है जो जो आवेदन है वो गुड फेथ में किया गया हो यदि कोई आवेदन जो है वो गुड फेथ में नहीं किया गया है तो वहां पे जो है, उसको या जो है, वो मना कर देगा उसको सुनने के कि ये जो है गुड फेथ में किया गया हो कंपनी के हित में किया गया हो तभी जो है वो आवेदन कोर्ट स्वीकार करेगा या ट्रिब्यूनल जो है वो स्वीकार करेगा और न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या आवेदन कंपनी के निर्देशकों या अधिकारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है कि ये नहीं कि केवल आपने आवेदन कर दिया तो उसकी जो है कोर्ट जांच करने के बाद में उसमें निर्णय जो है वो अपना सुनाएगा दूसरा जो है कि क्या मामले के सदस्य जमाकर्ताओं के क्षेत्र में उठाया जा सकता है कि क्या जो उन्होंने आवेदन दिया है वो ये प्रूव करता है कि ऑपरेशन हुआ है या मिसमैनेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है या जो उनके वो कंपनी के मेंबर्स हैं या नहीं हैं क्या उनके जो हित हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट दे गया तो ये महत्वपूर्ण पहलू जो है वो बताए इसके बाद बताया कि उन सदस्यों के विचारों का कोई सबूत जिनके मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित नहीं है कि जहाँ पे कोई ऐसा क्लास एक्शन फ़ाइल किया गया है तो वहाँ पे क्लास एक्शन में देखा जाएगा कि जिन व्यक्तियों ने वो एक छूट फाइल किया है उनके बिहाफ़ में तो वहाँ पे जो है क्या देखा जाएगा क्या इनका जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो उस क्लास एक्शन में यदि पर्सनल इंटरेस्ट जो है उस क्लास एक्शन में है तो वहाँ पर भी जो है ये कार्रवाई की जाती है महत्वपूर्ण पहलू है नेक्स्ट कि जहाँ कोई कार्रवाई का कारण अभी तक घटित नहीं हुआ है और यदि वह घटित होने से पहले कंपनी द्वारा अधिकृत अनुमोदित होने में सक्षम है जहाँ कार्रवाई का कारण पहले ही घटित हो चुका है यदि यह अनुमानित होने पर सक्षम है तो वहाँ पर भी वो ऐसे पहलू को उठा सकता है जो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट से संबंधित है नेक्स्ट जो है आवेदन स्वीकार होने के बाद निम्नलिखित पहलू पर ध्यान देने योग्य बातें कि जब आवेदन स्वीकार कर लिया है न्यायालय ने तो वहाँ पर जो है न्यायालय निम्न चीज़ों को देखेगी कि वर्ग के सदस्य जमाकर्ताओं को एक सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए कि जहाँ पे उसने आवेदन स्वीकार कर लिया तो उसका जो है एक जो जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनको जो है एक नोटिस जो है वो सर्व करेगा कोर्ट और उनको जो है वो हियरिंग के लिए बुलाएगा कि क्या जो है उन्होंने ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट जो है उसमें किया है और सभी समान आवेदन को एक माना जाएगा और मुख्य आवेदक का चयन वर्ग के सदस्यों जमाकर्ताओं द्वारा किया जाएगा यदि मुख्य आवेदक की नियुक्ति के संबंध में कोई निर्णय होता है तो ट्रिब्यूनल उसे नियुक्त करेगा ठीक है तो वहाँ पर उन्होंने बोले कि जहाँ पे क्लास एक्शन फाइल किया गया है वहाँ पे तो एक रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो उसके नाम से पूरा वो केस जो है वो रजिस्टर्ड होगा और वो जो है उसकी पूरी पैरवी जो है उस केस की के करेगा कि ये ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है नेक्स्ट जो है कि कार्रवाइयों के एक ही कारण के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं हो सकते कि सपोज जो है जहाँ पे क्लास एक्शन किया गया है कोई ऐसा आवेदन दिया गया है मिस ऑपरेशन या मिस मैनेजमेंट के लिए तो वहाँ पे कई आवेदन जो है वो नहीं होंगे उनने बोला कि उसके लिए जो है वो एक आवेदन जो है वो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में देना होगा वो एक आवेदन पर ही कार्रवाई होगी ये नहीं कि अब एक कंपनी में हज़ारों की संख्या में जो है वो सदस्य होते हैं अब वो अलग अलग सदस्य जो है वो अपना आवेदन ला रहे हैं तो वहाँ पे इसके लिए उन्होंने बोला है कि केवल एक आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा नेक्स्ट जो है कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित सभी आदेश बाध्यकारी होंगे कि जहाँ पर उसने अपनी हियरिंग शुरू कर दी है और ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि ये ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको ठीक करिए जो उन्होंने ऑर्डर दिया है तो वो जो है वो बाध्यकारी होगा और हर एक व्यक्ति के लिए जो है जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए बाउंड होगा भले उसकी आप अपील कर सकते हो वो प्रोविजन जो है वो इसमें मेंशन के लिए है, लेकिन एक बार यदि न्यायालय ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा आदेश दे दिया है चाहे वो बाइंडिंग अप का हो मिस ऑपरेशन है या, या मिसमैनेजमेंट का हो या उसके डिसमिसल का हो तो ये जो है वो अंतिम होगा या बाध्यकारी होगा वो जो है उस पर जो उनके मेंबर्स हैं उन पर मान और वर्ग कार्रवाई से संबंधित यह धारा बैंकिंग कंपनियों पर लागू नहीं होती मतलब जो क्लास एक्शन है वो वर्ग कंपनियों पर लागू नहीं होती अब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम से संबंधित प्रावधान जो है इसमें दिए हुए हैं कि क्या क्या जो है इससे संबंधित प्रावधान जो है वो दिए हुए हैं फर्स्ट जो है अल्पसंपक को समाधान प्रदान करने में न्यायाधिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इससे संबंधित जो है कुछ प्रावधान जो है वो दिए हुए हैं सबसे पहले जो है धारा 241 अल्पसंख्यक शेयर धारकों को उत्पीड़न आदि के के मामले में के लिए में राहत लिए न्यायाधिकरण आवेदन दायर करने का अधिकार सेक्शन 241 में क्लियर प्रावधान जो है वो बताए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जहां पे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट को इफेक्ट करा है तो वहां पे जो है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो ट्रिब्यूनल्स में जो है वो आवेदन दे सकते हैं ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए प्रिवेंशन फॉर दी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट तो ये जो है और उन आवेदन को देने के बाद जो है कोर्ट जो है उसमें हियर करेगी और यदि कोर्ट को लगता है तो वहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट तो वहाँ पर कोई भी ऐसा आदेश जो है वो कोर्ट दे सकती है इसके बाद आता है धारा 242 न्यायाधिकरण के बारे में शक्तियों का वर्णन तो न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स है उसको जो है इसके मैटर को सुनने का राइट होता है कि जहाँ पे कोई ऐसा आवेदन दिया गया है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से संबंधित तो वो ट्रिब्यूनल जो है वो ऐसे मैटर को सुनेगा चाहे वो क्लास एक्शन हो या कोई शेयर होल्डर्स के द्वारा या डिवेंचर्स होल्डर ऐसे व्यक्ति जिनके राइट्स इफेक्ट हुए हैं तो वो उस मैटर को सुनेगा ये कोर्ट को या ट्रिब्यूनल्स को पावर और ऐसे कोई भी आदेश जो है वो दे सकता है कि कंपनी का बाइंडिंग अप हो या मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो किसी भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको रिमूव कर सकता है सी जो है उसको सीज कर सकता है या जो ऐसे कोई सेल आउट्स किए हैं तो वो उनको रोक सकता है स्टॉप कर सकता है या इंजेंशन जो है उसके अगेंस्ट में इशू कर सकता है तो ये सारे पावर्स जो है वो कोर्ट एक्सरसाइज करती है या ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज करता है नेक्स्ट जो है 243 कि कुछ समझौते के संशोधन की समाप्ति के परिणामों के बारे में बताती है कि जहाँ पे कोई ऐसे समझौते हुए हैं पार्टीज के बीच में तो उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि जहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको जो है कोर्ट में सेटल कर लिया जाता है या उसको रेटिफाइड कर दिया गया है कि सपोज कोई ऐसे पावर्स दिए थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अब उनके बियॉन्ड में जा जो डायरेक्टर हैं या मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बियॉन्ड में जा कोई ऐसे कार्य किए हैं तो वहाँ पे जो है उन उन एक्ट्स को रेटिफाइड करा सकते हैं बोर्ड के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं मीटिंग से तो वहाँ पे जो है उसका ये इफेक्ट होगा कि वहाँ पर उसको कोर्ट ये आदेश देता दे सकता है कि उसको जो है वो ठीक करो या जो ट्रिब्यूनल है वो ये आदेश दे सकता है कि ठीक करो ये आप जो है ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट जो है आपने किया हुआ है इसके बाद है टू फोर्टी फोर के तहत आवेदन करने का अधिकार देती है कि टू फोर्टी फोर में बताया गया कि यहाँ पे भी बताया गया कि जहाँ पे मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ तो जो डिपॉजिटर हैं जो उसके सदस्य हैं वो जो है वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं ये इसमें प्रावधान है को और उन आवेदन को कोर्ट जो है वो सुनेगा नेक्स्ट जो है 245 क्लास एक्शन के बारे में बताती है कि जहाँ पे बहुत सारे वर्ग के या क्लास के किसी अधिकारों का वायलेशन हुआ है तो वहाँ पर जो है क्लास एक्शंस जो है वो फाइल किया जा सकता है मीन्स के बहुत सारे शेयर होल्डर्स डिबेंचर्स होल्डर्स या मैनेजर्स डायरेक्टर्स जो जिनके राइट्स इफेक्ट हुए हैं तो वो एक क्लास एक्शंस जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं मिलके या अलग अलग जो क्लासेस हैं शेयर होल्डर्स की डिबेंचर्स होल्डर्स की और जो अदर मेंबर्स हैं आप कंपनी के तो वो एक क्लास एक्शन्स जो है वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट में तो ये सेक्शन 245 में बताया गया है क्लास एक्शन्स के और वहाँ पे जो है क्लास एक्शन में भी क्लियर बताया गया है कि जहाँ पे वो जो क्लास एक्शन फाइल किया जाएगा तो उसमें एक ही आवेदन जो है वो स्वीकार होगा और एक आवेदन बना के कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट करेगी तो ये जो है वो क्लास आवेदन के बारे में प्रावधान जो है वो बताए गए हैं इसके बाद आता है सेक्शन 246 फोर्टी सिक्स जो धारा तीन और थ्री के प्रावधानों को निर्धारित करती है और थ्री थर्टी नाइन और थ्री फोर्टी के तहत फर्मों और कंपनियों के भागीदारों या निदेशकों तक विस्तारित करने के दायित्व दिए गए हैं और धारा दो सौ इकतालीस और दो सौ पैंतालीस के तहत न्यायाधिकरण के लिए आवेदन के संबंध में यथोचित परिवर्तन को लागू होंगे और थ्री थर्टी सेवन में अधिकारी द्वारा कोई ऐसी धोखाधड़ी करी गई मीन्स जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्होंने कोई ऐसी धोखाधड़ी करी है तो उसके लिए जो है वो जुर्माने का प्रावधान जो है वो इस धारा में बताया गया कि जहाँ पे कोई ऐसी फॉर्जरी करी है और उनसे जो है उनके मेंबर्स के या जो कंपनी है उनके राइट इफेक्ट हुए हैं तो वहाँ पर भी जो है ट्रिब्यूनल्स में आवेदन जो है वो दिया जा सकता है इसके बाद है दांडे जहाँ उचित खाते नहीं रखे जाते कि जहाँ पर इसके लिए भी प्रावधान बताया कि जो आपने जो है वो जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो आपके खाते हैं अकाउंट्स हैं उनको सही तरीके से मेंटेन नहीं कराते तो उसके लिए भी दंड के प्रावधान जो है वो बनाए गए हैं या उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिन्होंने उसको मैनेज नहीं करा सही तरीके से या मिसमैनेजमेंट किया है तो वहाँ पर भी उसके प्रावधान हैं उनके लिए लाइबल होंगे और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो भी उसके लिए लाइबल होंगे इसके बाद है थ्री थर्टी नाइन व्यवसाय के कपटपूर्ण संचालन के लिए दायित्व यदि कोई डायरेक्टर है मैनेजर है उसने कोई ऐसा कपटपूर्ण जो है व्यवसाय किया है कंपनी के अगेंस्ट में या जो मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट में तो वहाँ पे भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे या दायी होंगे वो व्यक्ति तो इस तरह से ये प्रोविजन जो है वो इसमें दिए हुए हैं अब भारत में उत्पीड़न कुप्रबंधन की रोकथाम से संबंधित कुछ मामले जो हैं वो बताए गए हैं पहला जो है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव सोसाइ इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड ये इसमें एक कंपनी थी जो कंपनी उन्नीस अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड थी अब भारतीय जीवा बीमा निगम द्वारा एक बीमा कंपनी का अधिग्रहण किया गया था और कंपनी को मुआवजे की कुछ राशि दी गई थी अधिकांश शेयर धारक उस मुआवजे को अल्पांश शेयर धारकों को वितरित नहीं करना चाहते थे अब इसमें क्या होता है कि एक नेगोसिएशन जो है वो हुआ था जो डायरेक्टर थे कंपनी के उनके बीच में तो वहाँ पे जो है जो कंपनी थी उसने जो है ये नेगोशिएशंस जो है वो शेयर होल्डर्स से शेयर नहीं किया तो इसके बेसिस पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने जो है कम उन डायरेक्टर्स के अगेंस्ट या कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया तो वहाँ पे जो है कंपनी ने यह माना कि यहाँ पे जो है मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है या हमारे जो राइट्स हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं तो इसके बेसिस पे जो है वो ऑपरेशन या मैनेजमेंट जो है वो माना जाएगा तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने ये इसमें हेल्ड किया था कि यहाँ पे जो है कोई मिस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है और यहाँ पर उसकी जो डायरेक्टर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी के प्रति थी ना कि उस सिंगल जो दो तीन सीआर रोलर्स थे उनके प्रति तो वहाँ पे जो है उन्होंने बोले कि यहाँ पे कोई ऐसे राइट जो है वो इफेक्ट नहीं हुए हैं जो उन्होंने अलॉटमेंट ऑफ सीयर्स किए थे वो सही किए थे और अकॉर्डिंग टू जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन था उनके अनुसार थे और इसमें जो फॉस वर्सेज हॉर्बले का रूल है उसमें अप्लाई किया गया था और उसमें कोर्ट ने बोला था कि जहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स किसी चीज को रेटिफाइड कर देते हैं तो वहां पर जो है वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट जो है वो नहीं माना जाएगा या वहां पर जो है मेजोरिटी रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा दूसरा है राजमुंदी इलेक्ट्रॉनिक कॉपरेशन बनाम नागेश्वर राव इसमें निदेशक को बहुसंख्यक शेयर धारकों का समर्थन प्राप्त था उन पर उनका काफ़ी प्रभाव था और कंपनी के बीसी का राजनीतिक प्रभाव था और अध्यक्ष असहाय बीसी के समूह ने अपनी निजी उपयोग के लिए कंपनी के धन का दुरुपयोग किया था यहाँ पे जो है इस केस में ये प्रूफ हुआ था कि जो चेयरमैन था उसने जो है कंपनी का जो मनी था उसको अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ किया किया था तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने माना कि यहाँ पे जो है ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट जो हुआ है और वहाँ पे जिसने वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट किया है तो वो व्यक्ति जो है उसके लिए जिम्मेदार होगा जिन्होंने वो ऑपरेशन उप, या मिसमैनेजमेंट किया है तो इसके फलस्वरूप उसको जिम्मेदार व्यक्ति को दायी ठहराया इसके बाद जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बनाम सायरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड यह मामला कंपनी मामलों कंपनी के कुप्रबंधन या संचालन से संबंधित था इसको आप लोगों ने भी इसमें सुना होगा कि इसमें जो साइरस मिस्त्री थे इन्होंने जो है वो गलत तरीके से जो है उसके एमडी जो है वो अपॉइंट करे गए थे और इसमें दो तीन कंपनियां थी दो तीन कंपनियों में इनमें जो साइरस मिस्त्री की वो कंपनी थी वहाँ पे जो है उनको उसमें थर्टी परसेंट कुछ शेयर्स जो है थे इनके ट्वेंटी परसेंट तो वो जो है उसके बेसिस पे उसमें बोला गया था और इन्होंने जो है बोला था कि हमें मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाए तो कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जो है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है उसने जो है बहुत सारे ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट करे हैं जिसके बेसिस पे जो है कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप हो तो कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जो ये राइट्स right हैं उनके जो अपॉइंटमेंट करने के या सारे करने के वो कंपनी के डिसीजन है और कंपनी जो है जिसको चाहे वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है जिसको चाहे तो नहीं कर सकती तो ये जो है यहाँ पे कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ था और इनका जो है कोई राइट right जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ था और इसी डिसीजनस के बेसिस पे जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो एडॉप्ट हुआ था और यहाँ पे प्रपोज करा गया था कि जो ऐसे मैटर्स होंगे वो कोर्ट नहीं सुनेगा इनके लिए जो है एक अलग ट्रिब्यूनल जो है वो अपॉइंट किया जाएगा तो इसके बेसिस पे जो है ये इसमें हेल्ड किया था अब दिल्ली जिमखाना कलम लिमिटेड बनाम भारत सरकार कोऑपरेटिव मंत्रालय इस मामले में सरकार ने अधिनियम की धारा 241 के तहत ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की और उत्पीड़न के मामले में राहत के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन किया और यह भी दावा किया गया कि क्लब के मामले में इस तरह से संचालित किया गया जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक था तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है वो इसमें हेल्ड किया कि जो सार्वजनिक हित की अवधारणा को आवश्यक रूप से भारत में प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता सार्वजनिक हित मीस कि जहाँ पे जो उसके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के हित यदि इफेक्ट हुए हैं वो सार्वजनिक हित से उसका मामला माना जाएगा ना कि प्रत्येक व्यक्ति या पब्लिक जो इंटरेस्ट हैं वो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो मेंबर्स के इंटरेस्ट यदि इफेक्ट हुए हैं तभी वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट माना जाएगा बाकी नहीं तीसरा है कन्हैयालाल बनाम भारत इंश्योरेंस कंपनी इस मामले में कंपनी के ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध होने पर ऋण दिया जाना ये उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन में था हालांकि बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के ज्ञापन में प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई ऋण लिया गया था तो वहाँ पे जो है कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अधिनियम अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस प्रकार अल्पसंख्यक शेयर धारकों के अधिकारों की रक्षा करता है यहां पे जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट जो है वो इफेक्ट करे हुए थे तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने माना कि उनके राइट जो है वो भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे ये नहीं कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किए हैं तो इस केस में कोर्ट ने यही डिसीजन जो है वो दिया था इसके बाद जो है इसके जो कंक्लूजन है उसके बारे में आते हैं कि जो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट है वो क्या होता है तो इसमें जो है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि जहाँ पे किसी जो मेंबर्स है या कंपनी है उनके राइट right जो है वो इफ़ेक्ट करें हैं तो इसके बेसिस पे जो है हम ये कह सकते हैं कि जो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो सेक्शन 241 फोर्टी वन टू टू दिए गए हुए हैं तो इसके बेसिस पे जो है इनसे संबंधित आवेदन जो है वो ट्रिब्यूनल सुनेगा और यदि ये प्रूफ हो जाता है तो वहाँ पे उस आवेदन की कार्रवाई जो है वो ट्रिब्यूनल्स करेगा तो इस तरह से ये व्याख्यान नंबर आठ जो है वो समाप्त होता है अब अगले अध्याय में व्याख्यान में निम्न विषयों पर परिचय करेंगे जिसमें कंपनी के बाइंडिंग अप के कंपनी का क्या बाइंडिंग अप होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू said the earth revolves round the sun it was considered blasphemy when galileo said the earth was round we thought he was mad when darwin said that monkeys are the ancestors of man we thought he had lost it when the ecologists said this was the end of the world and the human race we didn't believe them